टू ए एंड नॉलेज. दिस इज योर स्पेशल अंकित. सो गाइज, टुडे आर वी गोइंग टू डिस्कस एंड आई वुड लाइक टू शो यू दैट व्हाट आर द कंडीशंस हियर इन बिहार इन दिस फ्लड इशू. सो लेट्स गो गाइज. एज वी नो दैट अ फ्लड हैज अकर्ड इन बिहार स्पेशली. यू कैन क्लियरली सी इफ यू कुड देन I would like to tell you that from here to all the reason, as long as you can see, this all was farmed, cropped with wheat, with rice actually. I'm sorry for my mistake, with rice. But now this all has been swimmed up, and this is like a swimming pool. You can clearly see. I would like to zoom out for you. You can see that. Guys, if I could go there, I would definitely like to show you that what are the conditions far away. Okay, so you can clearly see this was a particular area for cropping. This whole area, as you can see, as long as you can see. Okay. And guys, this is not the limit. The water is coming up with a fluent speed. You can conclude. And this is the roads. Guys, I'm not joking. Apart. This is the roads. Okay? How poor the conditions have become here after this flood, you can know after seeing this picture. Guys, this was like a temporary tent house that they built for living when they got to know that flood is gonna strike. But it has been completely watered up, welled up. And the second major thing is that you can get to know about that how poor are they here. The toilets have been welled up. And what do I say about our government? Friends, as you know that I can't even say that what's great it is. Excuse me? Yes? ये आखिरी बार ऐसी बाढ़ यहाँ पे कब आई थी? इधर जो आखिरी बार जो बाढ़ आई थी 2001 में आई थी, लेकिन अब की बार 2001 से भी बहुत ज्यादा बाढ़ आई है. आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? ये रोड है ना, ये रोड है, देख रहे हैं ना, ये रोड 4 फीट गड्ढा था, गड्ढा, ठीक है. अभी 4 फीट ऊंचाई होने के बावजूद भी ये पानी ये पार से उधर हो गई. और इधर देख लो आप नजारा, देखो इधर इधर नजारा, इधर नजारा देखो आप, इधर देख लो ये पूरी गंगा जी हो गई है, बहते हुए गंगा. यहाँ पे देखो आप, ये देखो कितना, यहाँ से देख लो आप इधर सीधे रोड देख लो, यहाँ से पूरा रोड तक पानी है, पूरा पूरा ओवर. ये पानी बहुत से घर बेघर हो गए हैं, घर में पानी घुस गया है, गरीबों खाने के लिए मर रहे हैं. अच्छा, तो फिर यहाँ पे सरकार ने कुछ अब तक कोई स्टेप लिया है? यहाँ पे कोई स्टेप नहीं लिया है सरकार यही स्टेप ले रहा है. पानी आ रहा है, मरे जाओ मरते जाओ. विधायक लोग नेता लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और कुछ नहीं है. यहाँ बिजली भी नहीं है, मोबाइल तक चार्ज किया जाए, रिचार्ज भी नहीं हो रहा है. अच्छा, मैं उस तरफ जब गया था, इतना पानी हो गया है. अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं, तो आपके भी यहाँ पे खेती हुई होगी, तो आपका फाइनेंशियली पैसों के हिसाब से आपका कितना नुकसान हो गया, और कितनी उम्मीद है कि सरकार से कितना पैसा उसका वापस आ जाएगा? कोई उम्मीद नहीं है हमारे, सरकार का, सरकार से किसी भी प्रकार का उम्मीद नहीं है. अब बात रही इस फसल का, फसल पूरी तरह से नुकसान हो गया. आप देख सकते हैं कि सैकड़ों किसान की खेती जो है बर्बाद हो चुकी है. तो जैसे कि मैं अगर मैं आपसे पूछूं, तो आपका लगभग कितने तक का नुकसान हो गया? मेरा करीब करीब, मैं छोटा किसान हूँ, किसान के रूप में मैं जाना जाता हूँ, मेरा करीब करीब
लाख रुपया का नुकसान अभी तक के हिसाब से हो चुका है। मेरा 1.5 लाख रुपया लगा था, इधर खेती उती हुआ था, वो सब नुकसान हो गया। 20 एकड़ में हम लोग लगाए थे, 20 एकड़ हम लोग लगाए थे, इधर देख लीजिए, इधर सामने सारा बह गया, 20 एकड़ में खत्म हो गया। 20 एकड़ हम लोग देख सकते हैं, सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है पानी से। अच्छा, तो एक बात बताइए कि मैंने यहाँ पे कई लोगों को देखा कि वो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, तो फिर क्या अभी फिलहाल के लिए, जब तक ये ऐसी परिस्थितियाँ हैं, तब तक वो उन लोगों के आश्रय का क्या होगा? अब उन लोगों का आश्रय के लिए तो सरकार के ऊपर जिम्मेदारी बनती है। हम लोग तो खुद इस बाढ़ से प्रभावित है, नहीं मिल रही है तो फिर लोगों को बहुत बड़ी नुकसान में फंस चुके हैं। सरकार को और बिहार के प्रशासन को इसके ऊपर ध्यान देना होगा कि वो लोग इस झुग्गी बस्तियों में रहने वाले गरीब जनता के लिए वो क्या कर सकती है, क्या करना चाहती है, क्या उसका प्लान है। और हम लोग तो खुद बाढ़ से प्रभावित हैं, हम लोग को अभी तक कोई भी राहत के नाम पे कुछ नहीं मिला है, हमें कुछ पूरी तरह से पीड़ित हो चुके हैं हम लोग। अच्छा तो किसी मतलब कोई न्यूज चैनल, क्षेत्रीय हो चाहे नेशनल मीडिया हो, उसने अब तक यहाँ का जायजा लिया है? नहीं, अभी तक किसी मीडिया ने यहाँ पे अभी तक ना हमारा हालचाल पूछने के लिए, ना यहाँ का कोई जायजा लेने के लिए कोई अभी तक नहीं पहुंचा है। खास करके जानवर को है, इसके लिए हम लोग ऊंचाई तलाश रहे हैं और उनको सुरक्षित जगह पे ले जाके खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं हम लोग। और बात रहा लेडीज लोगों का, तो उन लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाया जा रहा है। लेकिन ये सब आप खुद से कर रहे हैं कि सभी अपने जो लोग खुद से कर रहे हैं यहाँ पे, खुद से काम, कोई प्रशासन या किसी भी सरकार कोई यहाँ पे जरूरत सरकार किसी भी तरह मदद नहीं कर रही। और रही बात ये सब फसल की, तो फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, तो पूरा बाढ़ से पूरा बाढ़ हम लोग खत्म कर चुका है। फ्रेंड्स, वी आर नाउ हियर एट अ रेजिडेंस हु हैज बीन अफेक्टेड विद दिस ग्रेट फ्लड, सो लेट्स हैव अ चैट विद देम। सो आंटी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। आपको इस जो ये बाढ़ आई है, आपको अब तक क्या क्या तकलीफ झेलनी पड़ी है? तकलीफ का है लेकिन झेले के पड़ा, तकलीफ तो हर एक दिशा से झेलता है आदमी है। माल जालों दे सड़क पर बना था, पानी उन्हीं भर गए, हेने रहे के आदमी के साधने नहीं थे, कहाँ हमने के सरकार देता है। सरकार से आपको कोई किसी प्रकार का कोई लाभ मिला है अब तक? कोनो लाभ नहीं मिला हमने के। आपसे कोई किसी भी तरह का मीडिया भी नहीं आया आपसे आपकी परिस्थितियों को जानने के लिए? ना। तो अभी जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि अभी तो बाढ़ का पानी काफी नजदीक आ चुका है, अगर ये पानी और आगे आ जाता है, भगवान ना करे ऐसा हो, पर अगर ये और आगे आ जाता है, फिर आपके पास कौन सा रास्ता बचेगा, आप क्या करेंगे? कौन रास्ता नहीं करेंगे। अच्छा, मीडिया नहीं आई, जो आपकी यहाँ की जो मेन सरकार है वो मदद करने नहीं आई, लेकिन क्या क्षेत्रीय स्तर के नेता, जैसे क्या विधायक या फिर कम से कम मुखिया जी या फिर उनके अंडर जो सरपंच लोग होते हैं, उनमें से किसी ने किसी भी प्रकार की मदद की इस परिस्थिति में? मुखिया जी एगो तिरपाल देले बानी, 1 किलो चिवरा देले बानी, 1 किलो चिवरा से कई दिन बाल बच्चा खाई, एगो नहीं हम है, 7 गो 8 गो बाल बच्चा बा, लड़का सियान बरस तो कहाँ, उतना भरोसा का होई केकरा, कई टाइम के बा,